एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए, ऐसा नहीं है कि आप बाजार से जाके डायरेक्टली वो खरीद लेंगे। और उस दवा के बनाने के लिए प्रोसेस ये होगा कि उसके जो भी डीएनए है उसको कंसिडर किया जाएगा, उसके अलावा उसके दीगर टेस्ट करके ये पता किया जाए कि ये हो क्या रहा है, और जो उसके जिसमें मसला है, स्पेसिफिक मसला है, सिर्फ उसको एड्रेस किया जाएगा। तो ये जो आपकी रिसर्च है इज टू डेवलप एंड टू आइडेंटिफाई डीएनए में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं जी, एंड एट द सेम टाइम टू डेवलप पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। नहीं, मेरा काम पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को डेवलप करना नहीं, नहीं आपका नहीं है, मगर आप जो रिसर्च करेंगे उसकी बेस पर एग्जैक्टली जो दूसरा शोबा है मेडिसिन का, दे विल डेवलप ए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो आप उनको डेटा फराहम करेंगे जी कि भाई ये इसके जीन्स हैं, ये डीएनए हैं जी, व्हाटएवर द कोड्स आर के भाई, एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा जी दे कैन डेवलप ए पर्सनलाइज्ड मेडिसिन टू एड्रेस द स्पेसिफिक डिजीज जी व्हाटएवर। इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी एग्जांपल आपको मैं कैंसर की दूंगा, क्योंकि अगर आपने सुना हो ब्रेस्ट कैंसर को हम मिसाल के तौर पे देखते हैं जी, तो ये आपके म्यूटेशंस के आपके जो डीएनए है इसमें चेंजेस की वजह से आपको ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब ये चेंजेस दो तरह से हो सकती हैं, एक तो कि आपको विरासत में मिली हो, सही, या दूसरा आपके ऊपर माहौल के असरात की वजह से। मसलन आपने अक्सर सुना होगा इस चीज़ का कि वो लोग जो कि किसी खास एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं जी, उनको कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, सही, ठीक है। या अगर बहुत ज़्यादा आपके एक्सरेज हों, डॉक्टर्स मना करते हैं क्योंकि एक्सरेज वगैरह की वजह से कॉज कर सकती है। तो अब ऐसे केस में अगर आपको कैंसर हुआ है तो रिसर्च ये कहती है कि कैंसर के लिए जो मेडिसिन अभी तक बनी हुई हैं उनमें से बहुत सी मेडिसिन कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर काम करती हैं और कुछ स्पेसिफिक लोगों के ऊपर काम नहीं करती, ठीक है। अब सेम मेडिसिन है, फिजिकली देखने को सेम टाइप ऑफ कैंसर लग रहा है, कुछ पे काम कर रही है और कुछ पे नहीं कर रही, सही, ठीक है। अब इस चीज़ को देखना कि वो मेडिसिन किस कुछ अशास पे काम क्यों नहीं कर रही है या उन पे काम क्यों कर रही है, इट इज़ टोटली बेस्ड ऑन कि कौन उनके डीएनए के में कौन सी तब्दीलियाँ आई। तो ये चीज़, इस तरह की स्टडीज हमें इस चीज़ की तरफ मोटिवेट करेंगी कि आपके बेस्ड ऑन द पेशेंट क्या तब्दीली आई थी और उस तब्दीली के हिसाब से कौन सी दवा उसको इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि उसको जल्दी असर या दवा असर कर सके, मौसर हो सके, उस पर असर कर सके। तो डॉक्टर साहब आपने फरमाया कि डीएनए में तब्दीली आती है, माहौल की वजह से भी आती है, चेंजेस हो रही हैं, एंड शायद ये क्वेश्चन इससे रिलेट करता नहीं करता, डज दैट वेरीफाई डार्विन्स थ्योरी? अच्छा, वैसे मेरा उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है, सही, क्योंकि बींग ए रिसर्चर डार्विन की थ्योरी थोड़ी सी मुख्तलिफ।